तो गाइस वेलकम टू PUBG मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। आज हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। तो भाई एक भैया बोले कि भैया आप थर्ड हिल उतरो ना भैया, अगर आप थर्ड हिल उतरोगे तो आपकी दो दो गर्लफ्रेंड बनेगी भैया। हम कहे लल्ला ओ मेरे लल्ला, कहीं कूपन कोड बट रहा है का गर्लफ्रेंड का लल्ला। अब भाई वैसे तो जब भी हम थर्ड हिल उतरते थे हमको बंदे मिलते नहीं थे, लेकिन इस बार यार बंदे आ ही गए थे, मतलब 5-6 बंदे आए थे। और भाई साहब जो है हमको जो है बंदूक मिली थी, एक तो ये जो AKM और दूसरी मिली थी वो खटर पुटर वाली M16A4। अबे आ गया भाई जल्दी भाग यार, हेलमेट कहाँ है यार, ये वेस्ट Level 1 की क्यों दे रहे हो, Level 2 की तो ये तो गलत बात है, हम तो तुम्हारे पुराने खिलाड़ी हैं। और ये देखो Level 1 का हेलमेट भी दे रहे हैं, हमको उठा लो यार Level 2 की वेस्ट। अरे मिल गई यार, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, आई लव यू PUBG लाइट। भाई साहब हम उठा लेते हैं, हम कहे यार दोनों एक साथ का आ रहे, इतना टाइम लगा रहे, कौन सी यार स्ट्रेटेजी बनाए। हम कहे निकल लो भैया, पता चला जो है दोनों पकड़ के मार डालेंगे। हम भाई जब जो तुरंत निकल लेते हैं, अबे दरवाजा कौन बंद कर दिया, निकलो जल्दी से भाई साहब, ऐसे टाइम पे यार दरवाजा कुंडी ना लगाया करो यार। हम तुरंत भागने लगते हैं। हम कहे एक को अमेरिका में कर दे, एक को इंग्लैंड में कर दे, तब भाई मानने मजा आएगी। हमने कहा आ रहे का देखे, लेकिन भाई साहब वो जो उसे घर में ढूंढने पड़े रहते हैं। हम तब देखते हैं सामने एक बॉट का कपड़ा पहन के बहरूपिया घूम रहा होता है। हमने कहा लो बेटा कंटैप। अरे भाई साहब इसके पास तो गुम्मा है भाई, अब क्या होगा, अब तो गए AKM से कैसे मुकाबला करेंगे। अबे आ रहा है भाई, क्या होगा यार। भाई साहब पीछे से तब तक जो है लप्पू जप्पू हमें देख लेते कि हम इसी मकान में है, वो दोनों तुरंत फांद के इधर आ जाते हैं। हम कहे क्या कर रहे हो, जल्दी हेल्थ किट लगो, ये गोलियां कैसे खत्म हो गई, तीसरी गोली मिल रही है आजकल, हमें कुछ लूट वूट मिल का नहीं रही है, अबे जल्दी उठाओ, अबे वो लोग आ जाएंगे। अबे डायनेमो, ये डायनेमो यहाँ कैसे आ गया। और तब तक भाई साहब डायनेमो के दोस्त हाइड्रा वाले हमको दौड़ा लेते हैं। हम कहे भागो जल्दी, हम कहे डायनेमो कहीं भेस बदल के हमको चेक करने तो नहीं है। हम कहे जल्दी से यार इन लोग को मार डालो, अगर मार डालेंगे तो हमारा हाइड्रा में सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम भाई जल्दी से हेल्प किट लगा लेते हैं, हमारे पास वही M64 रहती है खटर पुटर वाली। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, लो बेटा कहाँ लौंडो, तब तक ये दिख जाते। हमने कहा लो बेटा कंटा, तो उठ जाते। हमने कहा ये कैसा नाम है, टीला। हम कहे ये सही है भैया, जब ID बना रहे थे तो सामने टीला दिखा होगा तो टीला नाम रख लिए, चूरन खा रहे होगे चूरन नाम रख लिए, अच्छा वो सामने कुत्ता नहीं दिखा, वरना ID बनाते हुए कुत्ता दिख जाता तो कुत्ता ही नाम रख लेते। अब इनकी पेटी हम चेक करते हैं तो हमें गुम्मा मिल जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम सिर्फ करेंगे। अब भाई जब हम बस इनका बटुआ चेक ही कर रहे होते हैं, तब तक भाई साहब एक गाड़ी की आवाज आती है। हम कहे भाई साहब एकदम जो है हिलना उलना नहीं है, कहीं उसको लोकेशन हमारी पता चल गई तो साला डायरेक्ट आके मार देगा, एक तो हेल्थ किट विलकिट भी नहीं है। भाई साहब ये एकदम दौड़े चले जाते हैं हमारे घर में। हमने कहा लो बेटा कंटैप, तुरंत भम भम भम, कौन कर लॉबी इन द हाउस बेबी, और इनका नाम था KL11CA। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, लग रहा है 11th क्लास में हो और जो तुम्हारा सेक्शन है वो A है ना। तब तक ऊपर PUBG लाइट की तरफ से ऑफर आता है, आपने बहुत अच्छा खेला है, सारे गुम्मा वालों को धूल चटा दी है, आपको 2 किल फ्री दिए जाते हैं। हमने कहा जल्दी भेजो। भाई साहब हम तुरंत अपनी +2 KD बढ़वा लेते हैं और तुरंत गाड़ी निकाल के जैसे ही जा रहे होते तब तक भाई साहब एक आदमी दिख जाते हैं। हमने कहा अरे बाप रे भाई साहब, लग रहा है ड्रॉप लूटने आए थे, इनको जो है ड्रॉप मिला नहीं, तो अब हम सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकालेंगे। हमने कहा आ जाओ बेटा इसको आने दो, अभी बताते, जैसे ही आएगा एकदम खोपड़िया पे इसके गुम्मा मारेंगे। जैसे ही आते लो बेटा कंटैप, चलो कॉल करो लॉबी इन द हाउस बेबी। हमने कहा चलो भैया गाड़ी निकालो, ड्राइवर चला जाए लोंडो को ढूंढ के मारा जाए, तब तक देखो भाई साहब गड्ढे। अबे यार कहीं शहर में खेलने हैं किसी गाँव में खेलने हैं, सपाट रोड बनाया करो एकदम। अब भाई साहब इधर आते हैं, तब तक देखना एक बीच में गाड़ी खड़ी मिलती है, हमको देख के भाई साहब ये गाड़ी से अपने उतर जाते हैं। हम कहे यार कुछ तो गड़बड़ है, ये कौन है भाई साहब, तो इनका नाम रहता है देखना, अभी दिखाएंगे, इनका नाम है तांत्रिक बाबा है, और ये भाई साहब M4 चला देते हैं। हम कहे यार इसके पास लग रहा है M4 ही है, इनको जाके ठोकना पड़ेगा, ये सोच रहे थे हमको स्प्रे से गाड़ी से उतार देंगे। हमने कहा बेटा उतारते हो, अभी बताते हैं। हम कहे कैसे खेल रहे हो बाबा जी, कभी टेढ़े हो जा रहे हो, जहां मन कर रहा है लेट जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। हम कहे यहाँ हेल्थ किट नहीं लगाएंगे यार, कहीं ज्यादा उधर ना करके तंतर उंतर मार के हमारी जाने ना निकाल। भाई तुरंत हम गाड़ी लेके और बंदों को ढूंढने लगते हैं, इस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। अब यहाँ आते तो यहाँ कोई कंडा उंडा जला रहता है, कंडा जला के ड्रॉप अप लूट रहा होता है। हम कहे यार कोई दिख तो रहा है नहीं, सब कहाँ छुप के बैठे हैं यार। हम कहे लाओ स्कोप खोल के देखे, शादी कोई दिख जाए तो देखते है। भाई साहब ई कौन है, ड्राइवर सो रहे हो, क्या करने है? सोने आए यहाँ पे।
ये यहाँ पे सो रहे थे और इनका लौंडा दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था लेकिन बेचारा फांदे नहीं पा रहा था। तो भैया डायरेक्ट मंकी कॉन्ग की तरह ऐसे छलांग मारते, एक छलांग में डायरेक्ट ड्रॉप के नीचे। अब भाई साहब ये वहीं पे अपना बिस्तर उस्तर लगा के सो जाते हैं। हम कहे कब ये कब निकलेगा भाई साहब, ये भाई साहब ना मुंडी दिखाने को तैयार। हमने कहा भाई जोन भी आ गया, क्या करना है? तो कह रहे हैं कि हम वहीं रहेंगे, हम निकलेंगे नहीं बाहर। A few moments later. हम कहे अबे पागल क्या कर रहा है, जोन से ही मर जाएगा, इससे बढ़िया किल हमें दे दो। 2000 years later. हम कहे अबे जोन का डैमेज पड़ रहा है बे, मर जाएंगे जोन के बाहर, तो कह रहे मर जाओ। हम कहे भाई बड़ा ढीठ लौंडा यार, इतने एटीट्यूड एवं ईगो दिखा रहा है, रुको इसको फ्लैंक मार के आगे से जो है मारते हैं। अब भाई साहब हम तुरंत गाड़ी निकाल के जा रहे होते और चेक कर रहे होते कहाँ हो बे, सामने आओ, कहाँ हो बे, सामने आओ। तब तक लो भैया गाड़ी फंस गई। हे भगवान साला, हम ऐसा लग रहा है खेत वेत में खेलने आए हैं। पबजी लाइट क्या गाँव के लिए बनाया है क्या, कि जहाँ मन करे वो टीला बना दो, जहाँ मन करे पहाड़ बना दो, क्या कर रहे हो मेरे भाई? अब हम जो जा रहे होते तो उधर से हमको गोली चलाने की आवाज़ होती है और पीछे वाले को सोचते वो तो जोन से ही मर जाएगा। तब तक भाई साहब पीछे से हमको गोली लगने लगती है। हम कह जाग गए कानी इनसे। हम कह यादव जी बड़े ढीठ आदमी हो यार, मतलब आधे घंटे तक जोन में जाने का इरादा नहीं था, अपने तो मरते ही हमको भी साथ में लेके चले जाते। अब भाई साहब हम जोन में जा रहे थे तब तक देखते तो एक भाई साहब अभी जो है जोन में जाने की वो भी कोशिश कर रहे थे लेकिन हेल्थ किट लगा रहे थे, बहुत बिजी थे। हमने कहा लो बेटा कंटा। तो भाई इस मैच में हम उतरते हैं सेंट्रल रोड, क्योंकि कुछ लोगों की बात हुई थी सेंट्रल रोड पे आने की। तब तक जो है हमको मिल जाती है पिस्टल। हमने कहा इसका करेंगे बंदूक दे दो बंदूक, तो ये भैया खट्टर पुटर मिल जाती है। हम कहा इसका क्या करेंगे बंदूक दे दो बंदूक, तो यहाँ थॉमसन मिल जाती है। हाँ आप सही है भैया, लौंडे कहाँ है, लौंडे दिखाओ जल्दी से, लौंडे कहाँ है, अभी आ रहे लौंडो सामने वाले घर में, अभी बताते हैं, सामने आओ जल्दी से। तब तक देखते एक भाई साहब पीला ड्रेस पहन के बहुत चमकीले चमकीले घूम रहे होते। अबे कहाँ दौड़ा चला जा रहा है, अबे पीछे देखो इधर, ये भाई साहब दौड़े चले जा रहे हैं। भम अबे साला शॉट गन लिया, लो बेटा तुरंत जो है पेट पकड़ लेते हैं। हम कहे कहाँ लौंडा, और ये क्या 30 गोली, फिर से गोलियां कम पड़ गई यार, क्या इसको मार भी नहीं सकते। अब इनके दोस्त दौड़े दौड़े आते कहते किसने टच किया मेरे दोस्त को। तो भैया ये तो VSS चैलेंज कर रहे हैं। हमने कहा रुको अभी तुम्हारा VSS चैलेंज पूरा करवाते हैं, लो बेटा कंटा। इनका नाम रहता है साइको आशीष। हम कहे साइको तुम तो सही में साइको यार, तुम्हारे पेटी में थॉमसन पड़ी थी तो तुमको VSS चैलेंज करना जरूरी है, तुम्हारा जो है लौंडा पेट पकड़ कर बैठा है, तुम VSS चैलेंज कर रहे हो। तब तक उधर जो है बॉट चिल्लाने लगते हैं कार्टून जल्दी आओ ऊपर लौंडे। हम कहे आ रे बेवाना तुम तो कपारे खा जाओगे, देखते ऊपर भाई साहब मार हो रही है, एक लौंडे ने गिरा दिया। हमने कहा बस बता दिया तुम भी चलो ऊपर। हम कह लो पूरा खत्म कर दे वरना जो है कोई और केडी बढ़वा लेगा। तो लो भैया ये पहाड़ का कवर ले लिया। हम कह लो ऊपर से एंगल देखते हैं, कुछ एंगल मिल जाए। तो भाई साहब दो ये M24 रिलोड होने में आधा घंटा लगा रही होती है। हम कह कहा भाई कल रिलोड होगी क्या, अगले साल हैप्पी न्यू ईयर का इंतजार है तुम। क्या यार अब तो जान भी गया, अब तो ये बाउंड्री लाइन से निकलेगा ही नहीं बाहर। हमने कहा लो 6x लगा लेते हैं M24 में, अब जब बाहर निकलेंगे तो इनको जो है कनपट्टी बजा देंगे। अब हम चेक ही कर रहे थे जैसे ही बाउंड्री लाइन के बाहर आएंगे तुरंत कैच पकड़ लेंगे। अब जैसे ही आएंगे देखना अभी कंटाप लगाते हैं इनको। भैया हमने तो हवा में बल्ला भाजा था, ये छक्का कैसे चला गया ये तो हमें खुद नहीं समझ में आया। हमने कहा लो बेटा कंटाप एक और। भाई साहब हमसे एक बंदे पूछे कि भाई आप M24 और K98 क्यों नहीं चलाते हो, तो हम उनको बता दे भैया M24 और K98 का डैमेज इतना लपो झन्ना है कि उससे पहले अगर आदमी के पास पिस्टल होगी तो वही उड़ा डालेगा तुमको। अब भाई यहाँ पहाड़ के ऊपर से हमको जो है गोली की आवाज़ आ रही होती है लेकिन हम झांक के देखते हैं तो कोई बंदा दिख नहीं रहा होता। हम कह लग रहा है बंदा जो है लूट लाट के यहाँ से निकल चुका होगा। तो हम कह लाओ भैया चेक कर ले कुछ बचा कुचा हो तो हम खा जाएंगे। तो लेकिन भाई साहब जो है जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं तब तक ये ऊपर से खटर पटर की आवाज़ दे देते हैं। हम कहे लौंडा तो ऊपर बैठा हुआ है यार लेकिन बहुत चुपचाप है, लग रहा है गुम्मा लेके बैठा है, गुम्मा होगा तो बजा देगा, उसके आगे तो किसी की चलती नहीं। तब तक ये ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। हम कहे कहाँ भाग रहा है, पकड़ो 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 इसको। तो देखते भाई साहब ये देखो अंदर घुसे हुए हैं। हेलो 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 Thank you.
का भैया पेंट में हग उग तो नहीं दिए थे? एक ही जगह एकदम खड़े थे, ऐसा लग रहा था हग उग दियो। घूरे जा रहे थे साला, हमारे तो दिले बैठा जा रहा था तुमको देख के। अब भाई साहब एक भैया बोले कि भैया आप नई नई जगह उतरा करो, अब देख लो नई जगह उतरो तो जो है चौराहे चौराहे घूमना पड़ेगा गाड़ी के लिए, आधा मैच तो चौराहे पैदल ही घूमने में निकल जाएगा। अब यही बच्चा स्केटबोर्ड, अब इसी को हम जो है चला चला के जाते हैं। तब तक भाई साहब इधर से जो है एक पैरों की आवाज आती है, खटर पुटर की आवाज आती है। हम कहे लग रहा है कोई है यहाँ, यहाँ के देखते हैं तो लो भैया ये तो केडी वाला देवता है। हम कहे यहाँ का कर रहे हो, तुमको तो जोन में जाना है, जोन के बाहर तुमको कौन मारेगा? केडी हम लोग के बढ़वाने हो कि अपने केडी बढ़वाने हो? अब कहाँ जा रहे थे, रिवाइव कौन करने आएगा भैया? अलग ही दिमाग लगा रहे हो। अब भाई साहब हम पैदल पैदल जा रहे होते, तब तक हमको कार दिख जाती है। हम कहे यार कौन इतना महान आदमी है जो हमारे लिए कार छोड़ के गया? जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारे 101 बच्चे हो, उसमें 50 लल्ले हो और 51 लल्लियां हो। तो कहे 51 लल्लियां भी हो तो इसलिए 51 लल्लियां क्योंकि मेरा देश बदल रहा है, आगे भाई। हम तुरंत गाड़ी लेके यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जो है एक बग्गी खड़ी होती है। बग्गी तो अभी सामने आई थी लेकिन एक बंदा और था, हमें लग रहा था कि यहाँ दो बंदे हैं लेकिन हमें डाउटफुल थोड़ा था। तब तक एक भाई साहब अपना चेहरा दिखा देते हैं। हम कह लो भैया एक जो चेहरा दिखा रहे इनका जो है मुंह दिखाई करते हैं। लो बेटा कंटा, तुरंत मारते पेट पकड़ लेते हैं। हमने कहा है लौंडा, लौंडे को बुलाओ अपने। तो इनका लौंडा जो है रहता है अमेरिका में। हमने कहा बहुत बढ़िया है, तुम यहाँ इंग्लैंड में खेल लो, लौंडा तुम्हारा अमेरिका में खेल रहा है, ऐसे तो बहुत ही बढ़िया है यार, ऐसे ही खेलते रहो मजा ही आ जाएगी। अब भाई साहब तुरंत इनकी पिटी लूट डालते हैं। और हमने कहा भैया अब गाड़ी उठा के चला जाए, यहाँ से निकला जाए। भाई जैसे हम गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल लेते तब तक भाई साहब इनके लौंडे नींद से जाग गए होते, तुरंत हमारे ऊपर गोली उली चलाने लगते। हम कहा भैया कहाँ सो रहे थे? और भाई साहब यहाँ रेड जोन भी बना था, ऊपर से जो है जोन भी नहीं था। हमने कहा यार यहाँ रुकना सही नहीं है। हम तुरंत अंतरात्मा को फोन करते, घोलो लोग अंतरात्मा बोलती है हाँ बेटा बोलो। हमने कहा बिजी हो आजकल, फोने नहीं उठा रही हो, क्या करे, पीछे जाए कि ना जाए? तो कहती है रुको जब हम बोलेंगे तभी जाना। हमने कहा जल्दी बताना यार आजकल फोन बिजी जा रहा है, लाइन पे रहो। इसी लाइन पे रहती कहती है जाओ बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने कहा अभी बता रहे बेटा आ रहे, सारे तुम लोग तो जोन के बाहर ही लड़ाई कर रहे हो यार, जोन के अंदर लड़ाई की जाती है कि बाहर लड़ाई की जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोग का। हम तुरंत गाड़ी लेके जो है पहुंच जाते एकदम दौड़ा के, ये भाई साहब पिए रहते कंगारू का जूस। हम जैसी गाड़ी लेके जाते तुरंत उछल जाते मंकी कॉन्ग की तरह। हमने कहा यार इसको तो गाड़ी से उतर के मारना पड़ेगा। अब भाई साहब इनको हम मौका ही नहीं देते कि ये गुम्मा चला पाए। जैसे हम बंदूक पीछे करके दूसरी बंदूक निकालते तो ये भी सोचते हम भी पीछे करके गुम्मा उठा लें, लेकिन भाई साहब इनको मौका ही नहीं मिलता है। हम कहे चलो भैया जोन, अब जो बंदे बचे हैं उनको तुरंत उड़ा देंगे, अब तो गुम्मा हाथ में आ चुका है। अब भाई हम आपको ऐसा सीन दिखाने वाले हैं जिसको देख के आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। लोग अपने कानों में हेडफोन डालते हैं, ये भाई साहब अपने कानों में भूसा डाल के बैठे थे। अब देखो सामने जो है एक बग्गी खड़ी है। हम कहे यार नहीं बंदा होगा, लो देखे तो ये भाई साहब अपना बिस्तर लगा के आराम से लेटे हुए थे। का भैया यही बिस्तर उस्तर लगवा दे का, आराम से ही सोते रहना।